कोई भी एग्जाम अटेम्प्ट करने से पहले ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि क्या चीज़ें नहीं करनी है, जिससे हम लोग हमारी एग्जाम्स को अच्छे से क्लियर कर सकें। तो बस आपकी एग्जाम 29 अगस्त को है और आज हम आ गए हैं ये चीज़ें बताने के लिए कि कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, सो दैट आप आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर सको। देखो गाइज, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या नहीं करना है, तो हमें ये तो अच्छे से पता चल जाता है कि क्या करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज हम बात करते हैं, रीडिंग होल सिलेबस बिफोर एग्जाम्स। हर एक लाइन, हर एक पूरे मॉड्यूल की, हर एक सब्जेक्ट की आपको रीड करने नहीं बैठना है। आपको सिर्फ जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसे पढ़ना है। एग्जाम के पहले, एग्जाम के एक रात पहले, एक दिन पहले आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजें पढ़नी है। एकदम क्विक स्कैन करना है, आपको हर एक लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है। मॉड्यूल बहुत बड़ी है, इस तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो आप लोगों ने क्लासेस में भी मार्क की थी, मैंने तो बिजनेस कम्युनिकेशन में मार्क कराई थी, आपको भी पता होगा, आपको सिर्फ वो चीज़ें रीड आउट करनी है ना। ठीक है, दूसरी चीज़, नॉट टेकिंग एडवांटेज ऑफ गोल्डन अटेम्प्ट। अब दीदी, ये गोल्डन अटेम्प्ट क्यों है? देखो बच्चों, आप लोगों को वाइवा वोस नहीं रहने वाला है, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। आपकी कोई फेस टू फेस ओरल नहीं लेने वाला है, आपको सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करने। और ये एमसीक्यू कहाँ से आने वाले हैं? बिजनेस कम्युनिकेशन में से। हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज, हमें ये तो पता है कि बिजनेस कम्युनिकेशन से आने वाला है, तो हम किस तरीके से प्रिपेयर करें कि हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा चले जाए। मैं आप लोगों के लिए, सीएसईटी स्टूडेंट्स के लिए, बिजनेस कम्युनिकेशन का एमसीक्यू बूस्टर लेकर आ रही हूँ। अब दीदी, ये एमसीक्यू बूस्टर क्या होता है? कल ना मैं ऐसे 101 लाइनर्स आपको पढ़ाने वाली हूँ। मैं आपको बताती भी हूँ, मैंने आप लोगों के लिए ना ऐसे 101 लाइनर्स ढूंढे हैं जो आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जितने भी गूगली क्वेश्चन हैं सब इसमें से ही पूछेंगे। तो अगर आपको आपके मार्क्स सिक्योर करने हैं, जितना ज़्यादा आप स्कोर कर सको वो करना है, तो इसमें से आपको ये तो स्किप करना ही नहीं है। कल मैं लेने वाली हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते होंगे यहाँ पर, 25 अगस्त को सुबह 11 11 बजे। मैटर नहीं करता कि आपने कौन से टीचर से पढ़ा है, आपने कहीं से भी पढ़ा है, लेकिन ये हाफ आवर का सेशन में लेने वाली हूँ, इसको मिस मत करना। आपको मैं ये भी दिखा देती हूँ, ये सारे मैंने आप लोगों के लिए एमसीक्यूज जो 101 लाइनर्स है मॉड्यूल से उठा उठा कर लिखे हैं कि इस पे से एमसीक्यूज बन सकते हैं, जो भी गूगली क्वेश्चन है वो इस पे से बन सकते हैं ना। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग वापस हमारे मिस्टेक्स पे। तीसरा है इग्नोरिंग आईसीएसआई मटेरियल एंड मॉक टेस्ट। अभी आईसीएसआई की 2 मॉक टेस्ट हुई थी और वैसे 5 मॉक टेस्ट हुई थी, है ना, जो आप लोगों को भी पता होगा कि कल ही हमने वीडियो लाया था कि सीएसआर पे आपको सारी चीजें एक ही जगह पर मिल जाएगी। लेकिन आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपको आईसीएसआई के मटेरियल को इग्नोर नहीं करना है। देखो गाइस, जितना भी क्वेश्चंस आपको आईसीएसआई पूछेगी ना, वो सब कुछ उसके स्टडी मटेरियल से ही आएगा। मॉड्यूल को छोड़कर कहीं और कोई और नोट से कुछ नहीं आने वाला। अगर आपने भी आपकी नोट्स मॉड्यूल के बेसिस पे बनाई है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि मॉड्यूल के आगे और कुछ नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ जो आईसीएसआई ने आपको मॉक टेस्ट दी हुई है वो आप फॉर श्योर सॉल्व करना ही। रीजन बीइंग, क्योंकि थोड़े बहुत क्वेश्चंस उसमें से ही पूछेंगे, एज वेल एज जो आपको पता है मॉड्यूल के पीछे कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं वो भी आपको सॉल्व करना है, क्योंकि हो सकता है शायद उसमें से भी कोई क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट आपको ऑलरेडी बता रही है कि देखो हम ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, हो सकता है उसमें से भी कोई क्वेश्चंस आ जाए। तो आईसीएसआई के स्टडी मटेरियल को और उसके मॉक टेस्ट को इग्नोर नहीं करना है, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नॉट सॉल्विंग फुल पेपर। देखो गाइस, आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है, तो आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। भले ही ऐसे हो सकते हैं कि कोई क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूजन आए, देखो बिजनेस कम्युनिकेशन में तो हम टॉप 1 लाइनर्स में डिस्कस करने वाले सारे गूगली क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट चीजें, लेकिन अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता भी है कि आपको ऐसे लगता है कि यार इसका आंसर क्या होगा, आपको तुक्का नहीं मारना है, जय माता दी करके टिक नहीं करना है। जितने भी गूगली क्वेश्चन है आप आपके इंस्टिंक्ट्स का सुनो कि आपको क्या लगता है कि इसका सबसे क्लोजेस्ट आंसर कौन सा हो सकता है। ऐसे भी क्वेश्चन होंगे कि आपको लगेगा इसके तो चारों आंसर्स राइट है, लेकिन जो सबसे ज्यादा रेलेवेंट लग रहा है, जो सबसे ज्यादा नजदीक लग रहा है वो क्वेश्चन के, आपको वो सिलेक्ट करना है, आपके इंस्टिंक्ट्स पर जाना। कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं कि यार
ये इतना इजी क्वेश्चन तो ये लोग पूछ ही नहीं सकते, इसमें ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी। ऐसा नहीं होता है, जो क्वेश्चन है अगर आपको पता है उसका आंसर है, गो विथ इट, राइट? ठीक है, लास्ट है नॉट फॉलोइंग आईसीएसआई इंस्ट्रक्शंस। देखो यहाँ पर मैंने निकाल कर रखे हैं ये सारे इंस्ट्रक्शंस, आप आपके एग्जाम देने से पहले एक बार गो थ्रू कर लेना। आई एम सो श्योर कि आप लोगों ने मॉक टेस्ट दी हुई होगी कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, सब कुछ आपने लाइव में ऐसा मॉक टेस्ट देकर सॉल्व किया होगा। लेकिन इसके साथ साथ आप ये जो सारे इसके एफएक्यूज आए थे सीएसईटी एग्जाम के, एज वेल एज जो जनरल इंस्ट्रक्शंस थे, वो भी आप एक बार गो थ्रू कर लेना, सो दैट आप ऐसा कुछ भी इंस्ट्रक्शन स्किप ना कर दो जिसकी वजह से आप आपका पेपर अच्छे से ना दे सको। इसके साथ साथ कुछ तो भी लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें मुझे आप लोगों को बोलनी थी। सबसे पहली चीज़, आपका एग्जाम बहुत ईजी आने वाला है, तो बहुत ज़्यादा लोड मत लेना, पैनिक मत करना। थोड़ा बहुत टेक्निकल इशू भी आ जाता है, आप पहले से ही चेक कर रखना। एग्जाम अगर आपकी 10 बजे है तो 9 बजे ही सब कुछ सेटल कर लेना कि आपका इंटरनेट सही है, सब कुछ सही है ना। लास्ट मिनट के लिए मत रुकना, ठीक है? इसके साथ साथ पैनिक मत करना, एकदम कॉन्फिडेंट रहिए। आप लोगों ने इतनी सारी प्रिपरेशन की है, जिन लोगों ने नहीं भी की है तो ये एग्जाम इजी ही होगा। ये फर्स्ट अटेम्प्ट है स्पेशली, इसका आपको थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा। इसके साथ साथ वाइवा वोस नहीं है, इसका भी एडवांटेज आप ही को उठाना है, ठीक है? मैं बस आपको एक चीज़ रिमाइंड कराना चाहूंगी कि कल हम लोग 25 अगस्त को 11 11 बजे, 11 11, दीदी आप 11 11 को क्यों लेते हो? क्योंकि कुछ तो भी ऐसा लकी टाइम होता है। तो हम लोग हमारा एमसीक्यू बूस्टर लेकर आने वाले हैं कल 25 अगस्त को। प्लीज़ आपने कहीं से भी पढ़ा होगा, ये एमसीक्यू बूस्टर मिस मत करना, क्योंकि बिजनेस कम्युनिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। हमें सारे एक्सपेक्टेशन, सारे जो एमसीक्यूज है वो सारे राइट यहीं से करवाने हैं, और वाइवा वोस में भी ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा, जो कि अभी प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स है ना। ठीक है गाइस, सो दैट्स इट। आप ये मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हो। अगर हुआ तो मैं ना ये वाला जो इमेज है ये मेरे इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट कर दूंगी, सो दैट आप एक फॉलोड अप रहो कि ये सारी चीज़ें, हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू द नेक्स्ट वीडियो। कल मिलते हैं 25 अगस्त को 11 11 बजे। ऑल राइट, बाय बाय, आ जाओ।